हमको ये संभालना है। अक्खा बिल्कुल दाना एकदम अक्खा लेके आना, दाने की पंजीरी बनेगी, और मोर पंख तो लेके आना बिल्कुल जरूर, ठीक है ना, यहाँ से लेके आना। और सामान लिख लिया तुमने सब कुछ? हाँ। अच्छा ये डॉक्टर बहन किधर रह गई? वो प्रणाली को कुछ काम आ गया था तो वो बाहर गई। जब भी घर में कोई काम होता है ना तो ये डॉक्टर बहन को बाहर का कोई ना कोई याद आ ही जाता है, पता नहीं क्या काम रहता है, जब देखो तो बाहर निकल जाती है, यही काम है वो काम है। अरे दुकान वाली बहन, बड़ी जल्दी है तुमको मायके जाने की, लड़कियों का असली घर शादी के बाद उनका ससुराल होता है, भूल गई हो क्या? और नकली हो क्या असली माँ, ससुराल और मायका तो एक आत्मा और दो शरीर की तरह हो, किसी एक की तबीयत खराब हो दूसरी की भी तबीयत नासाज सी हो जाए। मैं तो बस इतना बोलना चाह रही थी कि दामा के लिए दुकान नहीं संभाल पा रही है, पगफेरे से पहले मैं भी दुकान नहीं जा सकती। सही बात है भाई, सही बात है, बूढ़ी हड्डियों को जवान कंधों की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, पर बेटा अब तो जो भी होगा ना वो जन्माष्टमी के बाद ही होगा ना। नई नई बहुएं आई है घर में, त्योहार में घर की लक्ष्मियों का घर में होना बहुत जरूरी है ना, तो त्योहार के बाद मैं पंडित जी से बात करके बताऊंगी, ठीक है? उन्होंने पापा जी के लिए कृष्ण मंदिर बनवाया है तो इस बार जन्माष्टमी की पूजा वहां ही करेंगे। हाँ तो हेतल बहन आपकी पूरी लिस्ट तैयार हो गई? हाँ। अरे क्या हुआ छोटी बहन, आपस में बन नहीं रही क्या तुम लोगों की? नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे को समझ के चल। चलो जन्माष्टमी के लिए सामान लेना मार्केट जाना, चलो तुम भी मेरे साथ। भाभी हाँ मैं भी आऊंगी आपके साथ। अरे हाँ हाँ मीडिया बहन जाओ 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 साथ में जाओ। And